अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इन 44। मैं वापस आ गई हूँ अपने तालीम और तरबियत के रसाले की रीडिंग के साथ। फर्स्ट आप लोगों ने जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे एक फैमिली मेम्बर बन जाते हैं। और इस बार ये आया तालीम और तरबियत मई 2022 का रसाला जी। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं आपको शो कर देती हूँ सुल्तान टीपो के। आज हम लोग कॉमिक पढ़ेंगे और इस पर जो बच्चों ने ड्राइंग्स बनाई है वो भी हम आपको शो करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जी ये तालीम और तरबियत का रिसाला है, मैं आपको दिखा दूँ अंदर से अगेन। उसकी कीमत 90 रुपीज है। और आपको पता है कि हमेशा की तरह मेरे पापा, मैंने, फादर जो है वो पीछे से हमारी करेक्शन करेंगे उर्दू की। और मैं आपको ये भी बता दूँ, हमारा ये रसाला पढ़ना उर्दू को प्रमोट करना है। तो आज हम पढ़ेंगे सुल्तान टीपू की कॉमिक। सुल्तान टीपू। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम बड़ी अच्छी जिंदगी बसर। पहले आपको ये बता दूँ कि सुल्तान टीपू जो है मुस्लिम हिस्ट्री के एक जो है बहुत बड़े नाम है, और बहुत सारे लोग जो हैं इनको जो है बहुत सारी तदरीसी बुक्स में हम इनको फॉलो करते हैं। तो अब हम आज इनकी कहानी पढ़ेंगे जो कि एक तस्वीरी कहानी है, जिसको उन्होंने तस्वीरों के साथ जो है उसको जाहिर किया है ताकि ये और मज़ेदार इंटरेस्टेड भी लगे। चलें शुरू करें। सुल्तान टीपू। अल्लाह का शुक्र है कि हम बड़ी अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। बस औलाद ना होना ही हमारा मसला है। अल्लाह करे ये दरीना आरजू का मतलब है बहुत पुरानी आरजू। दरीना मतलब देर से, पुरानी भी पूरी हो जाए। अब यहाँ ये बेसिकली टीपू सुल्तान के वालिद और टीपू सुल्तान की वालदा बैठी हुई हैं और वो आपस में ये मुकालमा कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। मशहूर मुसलमान बुजुर्ग कहते हैं बड़े उम्र के आदमी को। दरवेश टीपू मुस्तान का मजार और मस्जिद दिक्कन में मौजूद है। वहाँ जाकर दिक्कन में मौजूद है, दिक्कन इंडिया की एक जगह है। वहाँ जाकर नमाज पढ़ें, दुआ मांगे, क्या जब कबूल हो जाए। ख्याल अच्छा है, हम कल ही वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। और ये छोटा छोटा लिखा हुआ है साइड पे, ये भी हम पढ़ेंगे। मज़ार और मस्जिद दरवेश टीपू मुस्तान जी। और कार्ड, टीपू मुस्तान लोगों में मस्त कलंदर के लकब से मशहूर थे। जजीरा नुमा अरब से निकलकर उन्होंने जजीरा कहते हैं जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ से पानी गहरा हो। जमीन का ऐसा खिता जिसके चारों तरफ पानी हो उसे जजीरा कहते हैं। निकलकर उन्होंने जनूबे हिंद के शहर काट में मुस्तकबिल सकूनत अख्तियार कर ली का मतलब वहाँ रहना शुरू कर दिया। नहीं मगर अरकाट में उन्होंने कोई आलीशान महल नहीं बनाया था, बस नाम के एक घंटे पर नीम कहते हैं, एक पौधे की किस्म है जैसे कीकर है, आम है, इस तरह नीम का भी एक दरख्त होता है। नीम के एक घने पेड़ के नीचे
नीचे अपनी गड्ढा कटिया घर कर ली थी, खड़ी कर ली थी। कटिया मैंने आम कच्चा सा घर घास फूस का, उसे कटिया कहते हैं। यहीं बैठे वो याद अलहिम यादे इलाही करते और तबलीग इस्लाम में मशरूफ रहते। अल्लाह ताला ने उन्हें मसाही अता की थी। तरह तरह का मतलब है हाथ में शिफा देना। तरह तरह के मरीज और परेशान हाल लोगों का उनके हाथ तांता बंधा रहता था। का मतलब है लाइन लगी रहती थी। मुफ्तान कलंदर इनके लिए दुआएं मांगते और देखते ही देखते वो सेहत याब हो जाए हो जाते। टीपू मुफ्तान की वफात पर नवाब साद अल्लाह खां ने उनकी याद में एक अजीम शान मस्जिद और मजार तामीर करवा दिया था, जहां सुबह और शाम रौनक रहती थी। मर्दाने हक के बारे में हीम में तो कहा है ना बख्त ताज में ना लक्षर सपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। ये इन्होंने थोड़ा सा हिस्ट्री साइड पे बताई है इसकी, मज़ार और मस्जिद की और दरवेश टीपू मस्तान की। बाकी असल कहानी की तरफ हम वापस आते हैं, जिसमें वो ये जिक्र कर रहे हैं कि उनके हाँ कोई बच्चा नहीं है और वो एक दरीना आरजू पूरी करने के लिए दुआ मांगते हैं। ख्याल अच्छा है, हम कल ही ये हमने पढ़ लिया था वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। अब है जी सुल्तान टीपू का सुल्तान का जश्न ताजपोशी का मतलब है उन्हें ताज पहनाने का जश्न। रियासत मिसूर पर बड़ा हमला हुआ। अधूने के किला पर सुल्तान किला कहते हैं, वो बड़ा सा घर जिसकी चारों तरफ की दीवारें ऊंची ऊंची हो उसे किला कहते हैं, पर सुल्तान का कब्जा हो गया। इसके बाद बंगलोर की जंग में सुल्तान इंडिया की जगहों के नाम है, सुल्तान को दरबार में गुदारों की वजह से शिकस्त हुई। अंग्रेजों ने सुल्तान को तोहीन आमेर शरायत पर सलाह की पेशकश की, यानी रियासत के कुछ हिस्सों पर कब्जा 3 करोड़ रुपए तवाने जंग और पूरी रकम की अदायगी तक दोनों शहजादों की यरगमाली का मतलब होता है उनको जिस तरह अगवा कर लेते हैं ना, तो अपनी जेर निगरानी रखना, आजाद ना रखना, उनको अपने काबू में रखना। और तवान होता है के जुर्माना, तवाने जंग मैंने के जुर्माने के तौर पे। अंग्रेजों ने सुल्तान टीपू पर सख्त नाराजगी का जाहिर किया और कहा के वो हमारे दुश्मन मुल्क
फ्रांस से ताल्लुकात से बाज रहे और हमारा सब्सिडी एरी सिस्टम कबूल कर लें। सब्सिडी होता है ऐसा निज़ाम जिसमें गवर्नमेंट जो है अपने से पैसे डालकर आवाम को कोई ना कोई सहूलत मैसर करती है। जिस तरह आजकल पेट्रोल जो है फॉर एग्जांपल उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी पे सस्ता तकरीबन 150 या 160 रुपए की देती है, लेकिन असल कीमत जो है उसकी 300 रुपए है। तो जो बाकी पैसे हैं वो गवर्नमेंट डाल रही है, और वो जो पैसे डाले जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो सब्सिडी कहलाती है। अपने चंद इलाके हमारे हवाले कर दें। सुल्तान ने गुलामी के किसी भी मंसूबे को मानने से इनकार कर दिया। अब दूसरे पे आ जाते हैं। लोगों का जोश व खरोश काबिल दीद का मतलब है देखने के काबिल है। रंगारंग झंडियों से गली बाजार सजाए जा रहे हैं। गुरबा मीन गरीब की जमा होती है, बहुत सारे गरीब को गुरबा कहते हैं। गुरबा में इसी तरह अमीर की जमा जो होती है उमरा होती है। अलिफ मीम रे अलिफ और हमजा उमरा, और गुरबा जो है गरीब की जमा। गुरबा में नकदी मैंने कैश, पैसे, खाना और कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। मगर नए सुल्तान को बहुत मेहनत और लगन से दुश्मनों का मुकाबला करना होगा। हिंदू मरहट्टे और निजाम मकार अंग्रेजों की शह पाकर का मतलब होता है कि उनकी किसी चीज से फायदा उठाकर मिसूर पर कब्जा करना चाहते हैं। ये वाला बंदा कह रहा है। अब ये आज सारी रियाया मैंने अवाम इस बात पर बेहद खुश है कि हमारे बहादुर वली अहद शहजादा टीपू की रस्म ताज पोशी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारा प्यारा सुल्तान भी जहीन नडर मैंने जो किसी से न डरता हूँ नडर और नेक सेहत नेक सिफ्त इंसान है। नेक सिफ्त मैंने खूबी। अभी ये शायद दरवाजे के पास का सीन दिखाया जा रहा है। किले के दरवाजे के करीब अंदर का मंजर गद्दार में सादिक भी मीर सादिक हिस्ट्री का एक इतना बुरा नाम है कि इसे कहला किसी को कहा जाए ना कि तुम मीर सादिक हो तो सॉर्ट ऑफ बुरा समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक नेगेटिव करैक्टर था, उसने गद्दारी की थी। गद्दार मींस जिसने जासूसी की थी दुश्मनों के साथ मिलकर। मीर सादिक अभी दरवाजा बंद करके पलटा ही है कि सुल्तान को एक और सुल्तान को एक वफादार सिपाही अहमद खान तलवार के वार से उसे खत्म कर रहा है। ये दिखाया कि वो उसने दरवाजा बंद करके वो पलटा ही है तो उसको किसी ने मार दिया। ये छोटा छोटा लिखा हुआ है सरंगापटम। ये सारी इंडियो की हिंदुओं की जगह है इंडिया की, क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से पहले का वाक्य है। तो पाकिस्तान इंडिया के सारे इलाके पहले मुसलमानों के कब्जे में ही थे। तो सरंगापटम में गुमसान की लड़ाई हुई। गुमसान का मतलब है बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ, बहुत रश होना। बाजार में भी अगर बहुत रश हो तो हम उसे कहते हैं बाजार में गुमसान पड़ी हुई है। मीन्स जिस तरह ईद के दिनों में जाते हैं ना, बहुत रश होता है तो उसे गुमसान कहते हैं। गुमसान की लड़ाई हुई गद्दार में सादिक और
दरबारी पूर निया जी ने तोपों में रुई मट्टी और रेत भरवा दी और तोपों को नकारा बना दिया, को बलकर नकारा बना दिया। यही उसने गद्दारी की कि मुसलमानों की तोपों में चीजें भरवा दी, जिससे वो उनकी जो हथियार थे तोपें वो जाया हो गई। सुल्तान के सीने पर एक गोली पिवस्त हुई। मैंने होता है जुड़ जाना, और वो जख्मी होकर गिर पड़े। एक अंग्रेज सिपाही ने उनको सोने की पेटी उतारने के लिए आगे लपकाया तो वो जख्मी सुल्तान की तलवार की ताब ना ला सका। जब वो जख्मी हालत में सोने की पेटी उतारने के लिए आगे लपका तो जख्मी सुल्तान की तलवार की ताब ना ला सका, मतलब कि वो जख्मी सुल्तान ने अपनी तलवार से उसको मार दिया। जानते हो आज क्या गजब हुआ है, जो ही सुल्तान मुअज्जम अपने जानबाज दस्ते के साथ किले के दफा के लिए बाहर निकले। नमक हराम में मीर सादिक ने फौरन पीछे से दरवाजा बंद कर दिया, ताकि सुल्तान मुअज्जम जिंदा हालत में किले में वापस ना आ सके। मगर कुर्बान जाइए इस वफादार अहमद खान सिपाही के, जिसने दिया और उसकी लाश जिसने लपक कर गद्दार मीर सादिक को वहीं ढेर कर दिया और उसकी लाश कूड़े करकट के ढेर पर फेंक दी। ये देख सकते हैं और ये बंदा ये सिपाही कह रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सीन पे, जो कि हमारा लास्ट पेज है। वो देखो पूर्णिया ने हमारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। वो हमें खुश आमदीद कह रहा है, खुश आमदीद कह रहा है, ये बंदा कह रहा है। अंग्रेजों ने कहा कि वो देखो पूर्णिया ने हमारा रास्ता साफ कर दिया और वो हमें खुश आमदीद कह रहा है। सुल्तान मुअज्जम हम चारों तरफ से नरगे में आ चुके हैं, मतलब हम फंस चुके हैं, जाल में फंस चुके हैं। अब हमारी शहादत यकीनी मतलब पक्की लाजमी। ये अंग्रेज सिपाही आपको नहीं पहचानते। अगर आप इन्हें बता दें कि आप रियासत के फरमा रवा हैं तो इससे आपकी जान बच सकती है। खबरदार कैसी बातें करते हो राजा खान। शेर की जिंदगी का एक दिन गीदड़ के सवाल सौ सालों से बेहतर है। टीपू सुल्तान का एक बहुत मशहूर मकूला, मतलब बात है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। आओ अल्लाह का नाम लेकर इन बेज़मीरों पर आखिरी हल्ला बोल लें। और इस तरह उन्होंने अपनी जान जो है वो पेश कर दी और वो शहीद हो गए। तो बेसिकली कंसेप्ट ये दिया गया है कि जो शेर है, जो सच्चा और सच्चा खरा आदमी होता है,
उसकी एक दिन की ज़िंदगी जो है वो गीदड़ अमीर जाफर जैसे लोगों की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो बच्चों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म हुई। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाएं, और क्या पता हम लोग आपके लिए चैलेंजेस वगैरह भी बनाया करें। और हमें सपोर्ट करें और हमें फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।